लीडर के रूप में आते हैं लेकिन वो डीलर बन जाते हैं, और कुछ लोग लीडर के रूप में रहते हैं और लीडर ही रहते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने जो देखा है और हम जो देखते आए हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी संघर्ष की एक लंबी चौड़ी दास्तान है। जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सड़कों पर जब भाई एडवोकेट श्री चंद्रशेखर आजाद संघर्ष कर रहे थे, उनको घसीट के यूपी पुलिस द्वारा उनको मारा गया, उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, उनको हरेसमेंट किया गया, 16 महीने 14 महीने भाई के ऊपर एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला गया, वो संघर्षशील व्यक्ति ना टूटा ना डरा, ना रुका, ना थका, ना बिका, वो बहुजन मूवमेंट के लिए काम करते गया और दिन रात बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते गया। अगर हम चाहते हैं कि जो हजारों वर्षों से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम हमारे ही मुल्क में तीसरे दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारा अधिकार मिले तो हमको जागरूक बनना पड़ेगा, हमको बलिदान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हमको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, अधिकार छीनना पड़ता है। अधिकार कोई आपको बुला के देने वाला नहीं है, अधिकार आपको भीख में मिलने वाला नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं, भारत के अंदर अगर लंबे समय से कोई अपने ही मुल्क में तीसरे दर्जे का शहरी बना हुआ है तो वो बहुजन समाज के लोग हैं, जो यहाँ के वास्तविक और सर्वप्रथम मूल निवासी है, आज उनको तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। और जो भी सरकारी विभाग है, हर जगह बड़े बड़े पदों पर एक खास समाज के लोगों को वहां बैठा दिया गया है, और बहुजन समाज को हमेशा शिक्षा से दूर रखने की कोशिश की गई, हमेशा सत्ता से दूर रखने की कोशिश की गई, हमेशा उनको फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ अगर हम सिर्फ बातें करते रहेंगे तो बातों से बदलाव नहीं आता। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, हमको अपने आप से इरादा करना पड़ेगा कि हम संघर्ष करेंगे अपने न्याय के लिए, अपने भारत के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, हम न्याय करेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको पीने के बाद आंखों में रोशनी आ जाती है, लोगों को उनका अधिकार उनका हक दिखाई देने लगता है। तो आप लोग यहाँ आज एक निर्णय लें कि कुछ भी करेंगे, कैसा भी करेंगे, ये मनवादी हमको शिक्षा से दूर रखने की कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। ए आप लोग आज यहाँ से अहद करें, अपने आप से वादा करें, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं बड़ी आजीजी से कहना चाहूंगा, हमारे समाज में एक बड़ी बुरी लत फैली हुई है, वो लत है नशा की लत। जब किसी समाज को कमजोर करना रहता है, उसको पीछे ढकेलना रहता है, तो उसको नशे के लत में फंसा दिया जाता है। इसलिए कि जब वो नशा कर लेता है तो होश खो बैठता है, फिर उसको कुछ याद नहीं रहता कि हम क्या हैं, कहाँ हैं और हमको कहाँ होना चाहिए। तो इस नशे की दुनिया से निकलो और अपने समाज के लोगों को निकालो, ये नशा अच्छी चीज नहीं है। जब हम नशा छोड़ेंगे तब जाके हम अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखेंगे। कहते हैं कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। तो हमें गिरतों को थामने वाला बनना है, हमें नशा पिला के गिराने वाला नहीं बनना है। जो मौजूदा सरकारें हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी हमदर्द कभी नहीं हो सकती। इन्होंने हमेशा हमें हर तरीके से पीछे छोड़ा है, पीछे धकेलने का काम किया है। परिवर्तन तब होगा जब हम सत्ता का हिस्सा बनेंगे। मनोहर काशीराम जी ने कहा कि सत्ता की चाबी हासिल किए बगैर सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। अगर तुम्हारे समाज का तुम परिवर्तन चाहते हो, उनको न्याय दिलाना चाहते हो, उनको अधिकार दिलाना चाहते हो, तो सत्ता की चाबी तुमको हासिल करनी पड़ेगी और सत्ता के शिखर तक तुमको पहुंचना पड़ेगा। और तभी संभव होगा जब हम जागरूक बनेंगे, जब हम नशे की दुनिया से बाहर निकलेंगे,
जब हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे, जब हम एकता के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तभी यह चीज संभव होगी। हम आपको बता देना चाहते हैं, एक बड़े षड्यंत्र के तहत मुसलमानों को बहुजनों का शत्रु बताया गया, बहुजनों को मुसलमानों का शत्रु बताया गया, जबकि एक टोटल बेबुनियाद बात है। ये जो मुसलमान है, कोई ईरान से, कोई तुरान से, कोई सऊदी से आया हुआ मुसलमान नहीं है। ये आपके अपने ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड डीएनए वाले मुसलमान है। बस सिर्फ इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया। बाकी दोनों का ब्लड डीएनए सेम है, ये आपके भाई हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हो सकते। न मुसलमान का दुश्मन बहुजन है, न बहुजनों का दुश्मन मुसलमान है। ये सिर्फ हमें विभाजित करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसलिए कि सत्ता में बैठे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस दिन ये बहुजन मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, उस दिन इनकी कुर्सी खिसक जाएगी। अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए कभी मुसलमानों को आदिवासियों का दुश्मन बताते हैं, कभी बहुजनों का दुश्मन बताते हैं, जो कि टोटली बेबुनियाद बात है। आप भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां कभी दलितों को, बहुजनों को प्रताड़ित नहीं किया गया। ये बहुजन कहां पे, ये दलित लोगों को कहां पे प्रताड़ित किया जाता है? राजस्थान के अंदर, जहां राजपूत रहते हैं, घोड़ियों पे चढ़ने नहीं दिया जाता, उनको घोड़ियों से उतार दिया जाता है। ये आज की बात कर रहे हैं हम, 2024 में खड़े होकर हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं। ये जो हमारे अधिकार की जो बातें होती है, ये सिर्फ जो है मीडिया पर और सत्ता हासिल करने के लिए हमें एक अफीम की चुस्की दी जाती है, एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम तुम्हारे अधिकार की बात कर रहे हैं। साहब, अधिकारों की बातें बहुत हो गई, अब हम बातें नहीं सुनने वाले, अब अपना अधिकार लेने वाले हैं। ये संभव तभी होगा जब आप लोग ये समझ पाएंगे कि बहुजन समाज के लिए कौन सच्ची निष्ठा से लड़ रहा है। और आप जब ये समझ पाएंगे, जब उसके कंधे को मजबूत करेंगे, उसको सत्ता के शिखर तक पहुंचाएंगे, तो फिर आपको आपका अधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकता। श्री एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े राजा के लड़के नहीं है, एक आम घराने से आते हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया, उन्होंने जिद अपने अंदर लाई कि नहीं, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ना है। अत्याचार होता है राजस्थान में, भाई राजस्थान पहुंच जाते हैं। जुल्म होता है मध्य प्रदेश में, छतरपुर में, भाई वहां पहुंच जाते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर उनको मालूम पड़ता है कि हमारे समाज के लोगों पर, दबे कुचले लोगों पर जो है प्रताड़ना की जा रही है, उनको जो है पीड़ा दी जा रही है, भाई तड़प जाते हैं और तुरंत वहां पहुंचते हैं। ना कि वहां पहुंच के सिर्फ सियासत करते हैं, बल्कि उनको न्याय दिलाने के लिए रोड पे उतर कर संघर्ष करते हैं और उनको न्याय दिला के ही बैठते हैं। तो हम आशा करते हैं आप लोग श्री सूरज गौतम जाटव जी के नेतृत्व में इनको मजबूत करेंगे, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथ को मजबूत करेंगे, तो इंशाल्लाह आज नहीं कल परिवर्तन होके रहेगा, परिवर्तन आएगा। समय कम है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर कभी हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे, विस्तार से बातें होंगी। एक बार जो है हम अपनी बात खत्म करते हुए यहाँ पे आए सभी लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोगों के हम आभारी हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बारिश के मौसम में यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। हम आप लोग के बहुत बहुत आभारी हैं और समय कम होने की वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं और हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।